हेलो यूट्यूब, आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सा स्टिच है और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें, इसमें ये इस तरह से है, ऐसे इसको आप जोड़ भी सकते हैं, इसके साथ स्टिच भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इस तरह से भी है। इसको पीकॉट स्टिच कहते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से बनता है। इसमें हमें एक इस तरह की पिन चाहिए होती है, इस तरह की, जिसका ये वाला इस तरह का हेड हो, बीट वाली जो, और जितनी लंबी हमें पेटल्स बनानी होती हैं उतनी ही लंबे साइज़ की ये, उतनी ही लॉन्ग साइज़ की ये हमें चाहिए होती। ठीक है, अब मुझे ये वाली स्मॉल साइज़ की बनानी है तो मेरे लिए ये इनाफ है, अदरवाइज़ अगर आपको लॉन्ग साइज़ की बनानी है तो आपको लॉन्ग साइज़ की ये लेनी पड़ेगी नीडल पिन। अच्छा, ये देखें, ये मैंने बनाए हुए हैं। अब मुझे यहाँ से एक और पेटल यहाँ बनानी है, तो इस साइज़ की मुझे बनानी है। मुझे यहाँ से इस पिन को मैं यहाँ पे मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है, ऐसे। अब इस, क्योंकि मुझे इन्हें थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करना है पेटल्स को, इसलिए मुझे यहाँ से ये लेना पड़ेगा, इस जगह से, इसके सेंटर से। अब मैं जितना आपको चाहिए, जितना आप ओवरलैप करना चाह रहे हैं उतना ही आप इस साइड को आ जाएं, ठीक है। ये इस तरह ऐसे लिया और इसके ऊपर से यूं किया, और जितना इधर छोड़ा है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है उतना है इधर से इधर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये इस तरह। अब हम इसके सेंटर में से एक लेके आएंगे, सेंटर वाला धागा जो हमने लिया है यहाँ से हमने इसको इसके नीचे से ऐसे किया। अब नीचे से करने के बाद हमने साथ ही ये क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी टिप बनानी है, इसकी नोक बनानी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको इस धागे को पुल करेंगे। ये देखिए, इसको उठाना है, एक एक दफ़ा हमें उठाना है, दूसरे को प्रेस करना है, फिर उसको ऐसे। अब ये क्योंकि इसके नीचे है, इसके नीचे से ये थ्रेड जा रहा है, तो अब हमें इसको ऊपर से रोल करेंगे इस तरह। अच्छा, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपने ये पेटल का साइज स्टाइल बनाना है आपने। अब धागे को आपने इसको बिल्कुल भी आपने पुल नहीं करना, इसे खींचना नहीं है आपने, ऐसे आपने लूज़ लूज़ करते जाना है ताकि वो पेटल की शेप बन जाए। यहाँ पे मैंने इसे टाइट किया था इसलिए मुझे यहाँ पे इसकी नोक सी बनानी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इतना नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आगे इसको उसकी शेप बनानी है। और ये स्टिच आप किसी भी हर तरह के कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने कपड़े को तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना, आपने पिन का यूज़ करना है और उससे बनाना है आपने। इसलिए शिफॉन, सिल्क, हर तरह का जो भी आपको कपड़ा जिसके ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं।
और इसको आप कुशन्स के ऊपर, पिलोज़ के ऊपर, अपने ड्रेसेस के ऊपर, बेबी फ्रॉक्स के ऊपर, स्कर्ट्स पे, किसी जिसके ऊपर आप मर्जी चाहें, जस्ट आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है और आप हर एक के ऊपर बना सकते हैं। अभी हमें इसको लूज लूज छोड़ना है ताकि ये पेटल की शेप बन जाए जी। इसमें आप कोई भी कपड़ा, कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो किया है ये DMC है। आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एंड पे आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना होगा। बस ये आपने कोशिश ये करनी है कि आप दूसरे जिस पेटल के ऊपर से आप ओवरलैप कर रहे हैं उसके अंदर से आपने सुई नहीं गुजारनी। और ये यहाँ पे आप नीचे ले जाए अब, या ये आपने अब ये पिन जो है आराम से इसको निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें, ये देखें, कहीं से ये टच हुई, किसी तरह से कपड़े के साथ टच नहीं हो रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको साथ आप स्टिच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एक स्टिच यहाँ पे लगा के इसको स्टिच कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह से ओपन रखना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। अब ये देखें, अब हमें एक और पेटल आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ ऐसे। यूं और और ये फिर यहाँ से इसके सेंटर से आपने गुजारना है ऐसे।
और इस पिन की इस साइड से आपने लेके आना है यूं, और फिर ये उठाया आपने, उसको दूसरे को प्रेस कर दिया और इसको फिर उठा लिया ऐसे, और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको टाइट रखना है क्योंकि हमें इसकी इसकी पेटल की टिप बनानी है, इसलिए इसे थोड़ा सा हम पहले हम थोड़ा सा टाइट करेंगे और देन लूज। फिर आपने थ्रेड को डोंट पुल इट, और अगर आपने धागा ठीक भी करना है नीडल का तो इसके ऊपर आपने थंब रखना है अपना, ओके, अंगूठा रख के तो फिर आपने इसको धागे को ठीक करना है, अदरवाइज वो खिंच जाएगा सारा साथ ही। ये देखें ऐसे आप और ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से बन गई। अब नेक्स्ट वाली, ये फ्लावर पूरा कंप्लीट किया हुआ आप लोगों को उसकी पिक्चर में नज़र आएगा। अब ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने फ्रेंच नॉट्स बनाई हैं, इसको मैंने डबल रैप किया ऐसे, इस तरह से इसको अंदर से आप फ्रेंच नॉट या बीड्स के साथ छोटे छोटे जो मोती होते हैं उनके साथ आप फिल कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ मैंने इस तरह से, ये है पोलन स्टेज, मैंने इस तरह से बनाई है। अब आप ये जो ये स्टेम स्टिच के साथ बनी है, आप किसी भी चेन स्टिच के साथ भी इसे बना सकते हैं, और ये जो लीव्स हैं ये मैंने रोमानियन स्टिच के साथ बनाए हैं, आप इसको साटन स्टिच के साथ, स्ट्रेट स्टिच के साथ भी, फ्लाई स्टिच के साथ, किसी भी स्टिच के साथ बना सकते हैं। अदरवाइज़ रोमानियन स्टिच की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगी। स्टेम स्टिच की वीडियो बिगिनर्स की वीडियो में मैंने बनाई है अभी, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ये वाला जो मेन चीज़, ये वाला जो नया स्टिच था वो मैंने आज आपको लोगों को बताया है, ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करें इसे, बहुत खूबसूरत लगेगा।
और ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।